ये कुछ असूल थे जो मैंने आपके साथ शेयर की रिगार्डिंग माई ऑनलाइन क्लासेस, और इंशाल्लाह ताला अब मैं बढ़ता हूँ अपने सिलेबस की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। तो इसके लिए जी मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। चलें जी, ये हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स का, हमारा सब्जेक्ट है जी बिजनेस एथिक्स का, और इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोड है इसका 129, बीबीए 129, और मैं बताता चलूं कि दिस इज प्योरली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। और ये जान के आप लोग मायूस ना हो, क्यों? क्योंकि मेरी नजर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आर मोर इंटरेस्टिंग। आप यकीन माने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपके पास बात करने का मौका ज्यादा होता है, हमारे पास भी आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका ज्यादा होता है। मैंने आप दोनों सेक्शंस को, एक को फोर्थ में और एक को फिफ्थ में, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था, और न्यूमेरिकल्स में हमारे पास इतना ज्यादा ऑब्वियसली वो स्कोप नहीं होता पार्टिसिपेशन का, बातचीत का, एग्जाम्पल सेट करने का आपके साथ। ये कुछ ना मसाइल थे जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें पेश आए, और न्यूमेरिकल मेरी नज़र में थोड़े से बोरिंग भी हो जाते हैं एक टाइम में, वही न्यूमेरिकल बार बार, फिर प्रैक्टिस करने का भी हमें टाइम नहीं मिला दोनों दफ़ा इतना ज़्यादा, खासतौर पर पाँचवें सेमेस्टर में तो बिल्कुल ही नहीं टाइम मिला। ये इसकी वजह से आप लोग ये समझें कि आप लोगों के पास अब एक मौका है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बातें करने का मौका मिला। और आप जब इंशाल्लाह इस वीडियो को दोबारा यूट्यूब में देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ये सब्जेक्ट सुनने में तो बड़ा बोरिंग लगता था जब हमने भी पहली दफा पढ़ा था या पढ़ाया था, बट इंशाल्लाह ताला आप लोगों की पार्टिसिपेशन की वजह से ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, आई होप सो, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है। तो स्टार्ट करते हैं जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज बिजनेस एथिक्स। ठीक है जी, चले मैं एक सेकेंड, ये आपके सवाल जो आए हैं वो देख लो। अच्छा यार, आवाज का बेटा कुछ ऐसे इशू हैं जो हमारे बस में नहीं है, आवाज का एक उनमें से इशू है, और वो आवाज कटेगी, अब वो शायद मेरे नेट की वजह से या आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कट रही है, ये कुछ चीजें हमें बेयर करनी पड़ेंगी शुरू शुरू में। हम वही मैंने कहा, हम सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके इसमें डालेंगे और इंशाल्लाह ताला यूज करेंगे। ये तो भी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में वो कहते हैं ना एक के बस गुजारे वाली बात भी आप कह सकते हैं, तो गुजारा तो नहीं, इंशाल्लाह गुजारे से ज्यादा ही है, बट हमें काफी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, वीडियो कभी नहीं आएगी, कभी कुछ आएगा, कभी माइक ऑन किसी का रह जाएगा, कोई एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा वीडियो और माइक जो है अपना ध्यान से ऑन करना है आपने। खासतौर पर गर्ल्स को मैं बता दूँ, बेटा आप सबसे पहले अपनी वीडियो ऑफ कर दिया करें इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी सीन, और ऑडियो का भी ध्यान रखा करें। चले तो बढ़ते हैं जी सब्जेक्ट की तरफ वापस, और मैंने बात की है कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। ओके, ठीक है, चले तो ये बिजनेस एथिक्स, आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम वो बातें पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं क्यों है? क्योंकि हम लोगों का ये मानना है, और हम लोग जानते भी हैं जो आपस की बात है, कि हम लोग मिनासुल कौम थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से अनएथिकल है, आपस की बात है, सारे ही अनएथिकल है अपने में, ठीक है। लेकिन चले हम अपने आप को पूछते हैं, थोड़े अनएथिकल है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि हम लोग बेसिकली अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं। अच्छी बातें क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि एथिक्स का मतलब जो आज तक हम लेते आए हैं उसका मतलब है अच्छी बातें,
ठीक है, तो अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं, क्या होती हैं अच्छी बातें, किस तरह करते हैं, और उनको अच्छी बातों को हमने पढ़ना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में क्या अच्छा है और बिजनेस में क्या बुरा है, बिजनेस में क्या बातें अच्छी हैं, क्या करनी चाहिए, ये है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स आज से 20 साल पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट तो थोड़ो यार छोड़ो, ये दूर 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 तक अप्लाई भी नहीं होता बिजनेसेस में आज से 20-25 साल पहले। क्यों? क्योंकि आज से 20-25 साल पहले द मेन मोटिव ऑफ कंपनीज एंड परहैप्स द ओनली मोटिव ऑफ कंपनीज वाज टू जनरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट के पीछे ऐसे पड़े होते थे कि बस कुछ भी कर लें, किसी भी तरह झूठ बोल लें, फरेब कर लें, मकारी कर लें, बस प्रॉफिट कमा लें किसी भी तरह। आजकल भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट हुआ क्या कि यार जब ये कुछ होता था ना, तो 20 साल पहले अल्लाह की तरफ से जिस तरह कोरोना वायरस ने आके थोड़ा सा हमें झंझोड़ा, बहुत सी बातों को हमारे सामने जो थी भी हम नजरअंदाज कर देते थे, उनको सामने दोबारा लेके आया अल्लाह। इसी तरह 20 साल पहले अल्लाह के निजाम के मुताबिक हुआ क्या कि कुछ कंपनीज जो बहुत बड़ी कंपनीज थी, उनमें से 2-3 का हम एग्जाम्पल बाद में डिस्कस भी करेंगे भाई, उन 2-3 कंपनीज वो जो कि दुनिया की बड़ी कंपनी समझी जाती थी, वो एकदम बैंकरप्ट हो गई, एकदम डिफॉल्ट कर गई, खत्म हो गई, और ऐसी एक सनसनी फैल गई बिजनेस वर्ल्ड में और लोग परेशान हो गए। परेशानी का आलम था कि यार इतनी बड़ी कंपनीज, ये ऐसा ही है कि आपको कल खबर मिले या कुछ दिन बाद कि एप्पल खत्म हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो गई है, इस लेवल की कंपनीज जो है टॉप 10 कंपनीज वो एकदम उनका खत्म हो जाना। हुआ क्या, जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला इनके फाइनेंशियल सिस्टम जबरदस्त थे, मार्केटिंग कमाल थी, एचआर मैनेजमेंट कमाल थी, तो भाई फिर मसला कहाँ पे हुआ? मसला हुआ कि ये लोग इंतहाई बुरे लोग थे। बुरे लोग मतलब इनकी प्रैक्टिसेस बहुत बुरी थी, बहुत अनएथिकल थी इनकी प्रैक्टिसेस। तो इनकी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से ये लोग डिफॉल्ट कर गए या वाइंड अप इनको करना पड़ा। वो कैसे और क्यों, इसकी हमने इंशाल्लाह एग्जांपल्स पढ़नी है अगले चैप्टर्स में, लेकिन आपके लिए जानना है बहुत जरूरी है कि बिजनेस वर्ल्ड हिल गया। आप उसमें से शायद एक आधा केस मैंने आपको बताया हो, या मैं फाइनेंस में जरूर बताता हूँ, एनरॉन का एक केस आपने सुना होगा। वो एनरॉन के केस के ऊपर तो मूवी भी एक बनी है जिम कैरी की, तो वो भी आप देख सकते हैं, आप गूगल कर दीजिएगा एनरॉन मूवी, ऑन एनरॉन मूवी जिम कैरी के ऊपर, नाम उसका थोड़ा डिफरेंट है, पन विद डिक एंड जेन है उसका नाम। तो वो मूवी बनी और ये उस एक केस ने और उस तरह के 4-5 केसेस ने जो साइमल्टेनियसली हुआ क्या कि एक केस हुआ, दुनिया ने कहा हो ये तो फलां बिजनेस में भी हो रहा है, उधर गए तो पता चला ये तो उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई कंपनी है, तीसरी में गए पता चला यहाँ पे भी आवेगा आगा बिगड़ा हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता भाई 4-5 कंपनीज बड़ी बड़ी जो इकट्ठी कुछ सालों के अंदर गिरी, तो बिजनेस वर्ल्ड जिस तरह आप लोग कोरोना की वजह से घबराए हैं, बिजनेस वर्ल्ड घबरा गया और पता चला कि सारा कसूर है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। वहां पे कंपनीज ने अपने अंदर एथिक्स डालने शुरू किए, एथिकल सेमिनार्स होने शुरू किए, मैनेजमेंट को एथिक्स बताने शुरू की, और यहाँ तक के क्योंकि हम लोग वही करते हैं जो कंपनीज डिमांड करती हैं, यहाँ तक के यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को अपने सिलेबस के अंदर बिजनेस एथिक्स डालने पड़े, बच्चों को अभी से ट्रेन करना है हमने कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं ये बेसिकली उसके बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ। अभी भी जब स्टूडेंट्स जाते हैं हमारे, तो हमें जो फीडबैक मिलता है कंपनीज की तरफ से वो ये होता है जी कि आपने स्टूडेंट को बिजनेस एथिक्स नहीं आते, उनको ये नहीं पता बिजनेस में कैसे बिहेव करना है या क्या होते हैं एथिक्स। तो ये एक्चुअली नीड है मार्केट की, मार्केट की डिमांड है। तो इसको इंशाल्लाह ताला आप पढ़िएगा इस तरीके से कि ना सिर्फ आपने इसको सुनना है, पेपर में लिखना है, बल्कि जी इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसके इस अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिजनेस के साथ साथ जिंदगी भी आपकी अच्छी होगी। इखलाकियात हमारे दीन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इखलाकियात सीखने के लिए आपको इसको ना सिर्फ सीखना बल्कि इम्प्लीमेंट भी करना है। अच्छा जी, मैं बता दूं, मीन वाइल अगर हमारी मीटिंग कभी खत्म हो जाए तो मैं फौरन दूसरी मीटिंग का आपको वो भेजूंगा लिंक, तो आप लोग उस पर फौरन ऑनलाइन हो जाएगा बगैर किसी टाइम पे वेस्ट के, शुरू में अटेंडेंस हो जाएगी उसके। और सीआर से गुजारिश है कि वो अटेंडेंस ले लें, ठीक है बेटा, आप लोग अटेंडेंस ले लें,
स्क्रीनशॉट साथ साथ टाइम पे लेते रहिएगा, अगर पार्टिसिपेंट्स आ जा भी रहे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा टाइमिंग। बल्कि आप लोग कमेंट्स में अभी तो नहीं, मुझे वैसे पता आपके सीआर जो है वो आपको आपकी अटेंडेंस ले रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, तो ये था बिजनेस एथिक्स का एक थोड़ा सा रीकैप कि हुआ क्या और कैसे इवॉल्व किया और कैसे इसको इसके ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस हमें देनी पड़ी। फिर है क्या जी एथिक्स, आप लोग जो जानते हैं बिल्कुल ठीक जानते हैं, लेकिन आप लोग उसका एक पहलू जानते हैं। एथिक्स को हम समझते हैं कि ये है सही चीज, अच्छी चीज, गुड। गुड और बैड के अलावा सही और गलत भी इसकी डेफिनेशन सही है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ सही समझते आए हैं कि एथिकल बेसिक एथिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही के बारे में बताते हैं। एथिक्स आपको सही के साथ साथ गलत के बारे में भी बताते हैं। तो गलत के बारे में इसीलिए भी बताया जाता है क्योंकि गलत का पता होगा तो आपको सही का भी बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। तो सही और गलत दोनों के बारे में जानना इज एथिक्स, या दोनों को कंबाइन कर लें तो ये हमारे एथिक्स है। हमारे एथिक्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, एथिकल भी हम हो सकते हैं, अनएथिकल भी, बट ये सारा कुछ इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जी राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, दिस इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑफ एनी पर्सन इज एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या हुआ, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेसेस, या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है बिजनेस एथिक्स। अच्छा, इसके लिए एक और अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो है कॉन्शियंस, कंसाइंस, आप इसको पढ़ते आए, ये है कॉन्शियंस। तो कॉन्शियस का मतलब अगर आप अभी गूगल करें तो आपके सामने आ जाएगा द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, या द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑफ एनी पर्सन इज हिज और हर कॉन्शियंस। ये लफ्ज आपने सुना था, चल अच्छी बात है ना, देखिए साथ से इसको आज आपको मतलब भी पता चल गया इसका। तो अच्छाई और बुराई की सेंस, अच्छा इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको उर्दू में हम कहते हैं हमारा बड़ा प्यारा भाई है जमीर, तो जमीर कहते हैं ना, जमीर की आवाज सुनो, यानी अपने कॉन्शियंस की आवाज सुनो, अपने राइट एंड रॉन्ग को झिझोड़ो और सही आवाज सुनो अपनी। तो जमीर बेसिकली कॉन्शियंस के लिए उर्दू का लफ्ज है, अब आपको बेहतर समझ लग जाएगी। तो राइट एंड रॉन्ग, हमारा कॉन्शियंस, हमारा जमीर, ये है जी हमारे एथिक्स। ओके, या इन अदर वर्ड्स ability to distinguish between goods, good and bad is also our ethical framework, हमारे ethics, हमारी ability to distinguish between good and bad है। अच्छा, ये तो बड़े basic से understanding थी, अब थोड़ी interesting बातों की तरफ बढ़ते हैं। What is the difference between ethics, norms and culture? पहले मैं थोड़े से सवाल ले लूं जी, topic खत्म हुआ है। हाँ, what does the ethic exactly mean? मैंने बता दिया बेटा, हमारा का सवाल है कि एथिक्स, एथिक इज आर फ्रेमवर्क ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, या इसको कॉन्शियंस भी कह सकते हैं, या हमारी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। अच्छा, फिर सवाल था आपने, आपका ने नेट बहुत खराब है यार, मेरा क्यों, आपका भी खराब हो सकता है मोमिना, मेरे पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन सर हमारा तो नेट ही बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है काम ने। कोई बात नहीं यार, आप लोग अब ये इन चीज़ों को फेस भी करना है, लेकिन घबराइएगा मत, मैं ये YouTube पे लेक्चर डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, वो हम चार पांच स्क्रीनशॉट्स मैं भी साथ ले रहा हूँ, आपके सीआर जीआर भी ले रहे हैं, मैं उन अटेंडेंसेस को कंबाइन करके देखूंगा कौन था और कौन नहीं। तो आप अगर मेजोरिटी ऑफ द स्क्रीनशॉट्स में होंगे तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, वरना नहीं। ओके, चलेंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं दोबारा क्लास की तरफ। डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, बिटवीन एथिक्स, नॉर्म्स एंड कल्चर। एथिक्स का तो आपको पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है,
नॉर्म्स हम कहते हैं उन प्रैक्टिसेस को जो अमूमन हमारे मुआशरे में राइज है, जो नॉर्मली प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारे मुआशरे में, उन एक्शंस को, उन बिहेवियर्स को हम नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्मल से निकला है नॉर्म्स। अच्छा, यहां पर डिफरेंस क्या है? एथिक्स और नॉर्म्स को अमूमन मिक्सअप किया जाता है। नॉर्म्स और एथिक्स में एक फर्क है। नॉर्म आपका अनएथिकल भी हो सकता है, एथिकल भी हो सकता है। नॉर्म आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है, और लड़कों को जो करते हैं ये काम उनको भी पता है कि सिगरेट पीना इज अनएथिकल। कोई इस बात से मेरा ख्याल है डिसएग्री नहीं करेगा, कोई बोंगी मारेगा अगर करेगा, जो सही बात है। बट वी ऑल नो दैट स्मोकिंग सिगरेट्स इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी सब करते हैं ये जानते हुए भी। क्यों? क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग हैज बिकम अ सोशली एक्सेप्टेड ड्रग। सिगरेट को हम कहते हैं सोशली एक्सेप्टेड ड्रग है। वेस्ट में सबको पता है कि शराब पीने से बीमारियां होती है, और शराब पीना जो है वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स कॉज करता है, फिर भी सब पीते हैं। क्यों? इट इज अ सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म। तो हमारे केस में सिगरेट पीना और कुछ माशरों में शराब पीना, दो इट इज अनएथिकल, बट इट इज अ नॉर्म, ये यूजली होता है। चले जी, पाकिस्तानी माशरे की थोड़ी और तारीफ करते हैं। झूठ बोलना हम सबको पता है गलत है, और हम लोग जब बोल रहे होते हैं हमें तब भी पता है, हमें कुरान पाक की आयात का भी पता है, हदीसों का भी पता है, दोजख का भी पता है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिस हैज बिकम अ नॉर्म। बेईमानी करने वाले को पता है कि बेईमानी का की क्या सजा है, बट ये नॉर्मली अगर कर रहे हैं लोग एक मुआशरे में, तो ये एक नॉर्म है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, रूटीन है। बुरी समझी जाए या ना समझी जाए, ये जरूरी नहीं कि जो चीज नॉर्मली होती है वो सही भी समझी जाए। अमूमन ऐसा होता है कि वो चीज सही समझी जाती है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। हमारे मुआशरे में तो कई ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि चीज सही नहीं भी समझी जाती, लेकिन फिर भी उसको नॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस बात पे हम लोग अपने आप को सल्यूट करते हैं, शाबाश, वेल डन, ठीक है। अच्छा, फिर कल्चर क्या चीज है जी? कल्चर जो है वो हमारे नॉर्म्स का मजमुआ है, उनकी एडिशन है, उन सबको हम जब इकट्ठा करते हैं, तमाम नॉर्म्स को, तमाम प्रैक्टिसेस को, तो हमारा एक कल्चर बन जाता है। हमारा कल्चर क्या है जी? मिसाल के तौर पे हमारा कल्चर है सुस्ती, बुरी बात है। हमारा कल्चर है झूठ बोलना, बेईमानी करना, बुरी बात है। हमारा कल्चर है रोना हर बात पे, बुरी बात है। लड़ाई करना, गुस्सा करना, बुरी बात है। कुछ अच्छी बातें भी हैं। हमारा कल्चर है लोगों की मदद करना, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, आप लोग भी जरूर कर रहे हैं, मुझे यकीन है आप लोगों पे भी, कि लोगों की मदद करें, चैरिटी करें। पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट चैरिटी गिविंग कंट्रीज, बल्कि कई जगहों पे तो इसको द हाईएस्ट भी कहा जाता है पर कैपिटा के हिसाब से। अच्छी बात भी, हमारा नॉर्म है, ठीक है। तो खौफ खुदा वगैरह थोड़ा बहुत है, लेकिन चले खैर एक्शन में नहीं नजर आता, लेकिन चले बातों बातों में है। तो ये हमारी कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो ओवरऑल तमाम नॉर्म्स मिलके आपका कल्चर बनाते हैं। ये है जी आपका डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, नॉर्म्स एंड कल्चर। तो कल्चर ओवरऑल तमाम प्रैक्टिसेस, नॉर्म वन कॉमन प्रैक्टिस, और एथिक इज द राइट प्रैक्टिस। ये डिफरेंस है, राइट प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस, कलेक्शन ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस। This is the difference between ethics, norms and culture. आखिरी मिनट है जी, मैं ये दो तीन क्वेश्चन लेके फिर नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा, उसका आईडिया आप लोगों को सेंड करूंगा। अगर बीच में खत्म भी हो जाए तो आप लोगों ने फौरी तौर पे लॉग इन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे डिसएग्री किया है जैद ने, चले अगली मीटिंग में मैं पूछता हूँ आपसे। नॉर्म्स बता दें डेफिनेशन एक बार काइंडली, जो नॉर्मल प्रैक्टिस, जो मोस्टली प्रैक्टिस एक्शन होते हैं, बिहेवियर है, कॉमन प्रैक्टिस एंड कॉमन बिहेवियर, उसको नॉर्म कहते हैं। नुमान ने पूछा स्मोकिंग इज अनएथिकल एंड ऑल्सो अगेंस्ट नॉर्म। हाँ, नॉर्म पाकिस्तान में चले अगर आप समझते हैं, लेकिन दुनिया भर में खासतौर पर वेस्ट में तो ये नॉर्म है, शराब पीना नॉर्म है, वो नॉर्मली करते हैं। पाकिस्तान में देखें ना, यहाँ से पता चला कि नॉर्म्स डिफरेंट भी हो सकते हैं जगह जगह पे, ठीक है। अच्छा, और चले जी, हम लोग जैद से कंटिन्यू करेंगे अगली मीटिंग में। चले जी,
नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने फौरी उसको लॉग इन कर लेना है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वही वाली जो हमने की थी। चले जी, सो यहां से हमने छोड़ा था, तो हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन एथिक्स नॉर्म एंड कल्चर। अच्छा जी, जैद साहब का सवाल था। जैद बेटा, आपने अगर कोई बात करनी हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगे सवाल और सही वाला सवाल हुआ, अगर बोंगी मारी तो मैंने आपको रिमूव कर देना है और ब्लॉक भी कर देना है। तो अगर सही सवाल हुआ तो रेज हैंड का ऑप्शन आपको पता होगा, ठीक है, आप रेज हैंड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो जैद का अगर सवाल है और डिसएग्रीमेंट था तो वो रेज हैंड कर ले, मैं उसकी तरफ आता हूँ, ठीक है, रेज हैंड करना पड़ेगा। हेलो, ये आवाज आ रही है? ओके, चले। सो अगर किसी के ने कोई सवाल करना हो और सही इंपॉर्टेंट वाला सवाल हो बेटा, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है, तो रेज हैंड मैं आपको अलाउ करूंगा, और अगर आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। क्लास जी इस मीटिंग के एंड तक है बस, ठीक है, इस मीटिंग के एंड तक, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है क्लास का। अगला टॉपिक जो हमारा, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, डिफरेंट एथिक्स फॉर डिफरेंट पीपल। भाई ये जो बात है ना, ये समझना हमारे सिलेबस के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर किसी के लिए सही और गलत डिफरेंट है। आपने कहावत सुनी होगी जो आजकल भी बड़ी मशहूर है, वंस टेररिस्ट इज अनदर्स फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इसका ये जो आजकल टर्म सुनी है, जिसमें एक मुल्क के लिए जो लोग लड़ रहे हैं दूसरा मुल्क उसको टेररिस्ट कहता है, ठीक है, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर में जो लड़ रहे हैं जी वो मुजाहिदीन हैं, इंडिया के लिए वो टेररिस्ट हैं। तो इसीलिए यहां से भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एथिक्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एक चीज एक बंदे के लिए सही है तो वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी सही हो, एक चीज एक बंदे के लिए गलत है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए सही हो, एंड वाइस वर्सा। तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है, ये नंबर वन हमारे सिलेबस के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर औकात जिस तरह ये जैद ने मेरे से डिसएग्री करके बिल्कुल मुझे मौका दिया ये एग्जांपल देने का, कि जैद ने मेरे से डिसएग्री किया, ठीक है, पहली बात है जैद की हिम्मत कैसे हुई मेरे से डिसएग्री करने की, लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जैद को लगा कि मैंने जो बात की है वो सही नहीं है। मैं सिलेबस में अक्सर ऐसी बातें करूंगा जो आपको सही नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे कोट करूंगा जो मेरे हिसाब से शायद एथिकल या अनएथिकल हो। आप में से कोई बंदा कहेगा नहीं सर, मुझे तो ये आपने जो एथिकल कहा है मुझे तो ये बात अनएथिकल लगती है, या आपने जो बात अनएथिकल कही है वो मुझे एथिकल लगती है। तो यहाँ पे आपका और मेरा इख्तलाफ अक्सर आएगा, ना सिर्फ मेरा और आपका, जब हम क्लास में ये बातें डिस्कस करेंगे तो आप एक दूसरे से भी इख्तलाफ करेंगे। आप कहेंगे मैं नहीं मानता जी, क्यों? हम सबका एथिक्स डिफरेंट है, राइट एंड रॉन्ग एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये बात आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरे और आपके फ्रेंड्स के आपस में भी एथिक्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कबाहत नहीं है इस बात को मानने में, हमारा सिलेबस भी स्मूथली चल पाएगा। दूसरी बात तो तरजीह जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है, हमारी कौम के बहुत बड़े मसलों में से एक मसला है कि हम लोग दूसरों को गलत कह देते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हम उसको गलत समझते हैं। वो मामला दीन का हो, दुनिया का हो, मुआशरती हो, मुआशी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम उसको कत्ल करने के पीछे भाग जाते हैं कि किसी ने हमारे से डिसएग्री किया क्यों, कि हम उसके ऊपर इतना फोर्स कर देते हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं भी ये करता हूँ, बिल्कुल आदत मेरे अंदर भी है, मिनासुर कौम हमारे अंदर आदत है, हम कहते हैं नहीं, तो मैंने कह दिया
हमारे अंदर वही बात है कि नॉलेज कुछ भी नहीं, ताक नहीं, लेकिन हम सब जो है अपने में वो अरस्तु हैं फिलोसफियां मारने में, लॉजिक्स मारने में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में, कि हम सब माशाल्लाह मास्टर हैं, जो वेले हैं ना बेसिकली, हम लोग तो वेले लोग यही काम करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग जिंदगी में जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि लोग हमसे डिफरेंट हो सकते हैं, उनका सही और गलत हमारे से मुख्तलिफ हो सकता है, तो भाई हमारी जिंदगी, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क सब बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक छोटी सी बात ही मान, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में इत्तेफाक, यूनिटी, यूनिटी स्ट्रेंथ और सारा कुछ, यहाँ से आप अपने यूनिटी से मुल्क को ऊपर लेके जा सकते। तमाम वो ममालिक ऊपर जाते हैं जिनमें सबसे पहले यूनिटी आती है, हमारे अनफॉर्चुनेटली ये यूनिटी अभी भी नहीं आती। ठीक है, यूनिटी क्यों नहीं आती, आप देख लें कि पहली बात तो ये कि एक घर में दो बंदे एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, फिर एक घर को छोड़े जी, ट्विन अगर बहन भाई हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, एथिकली डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर घर से बाहर आ जाए जी, आपके मोहल्ले के अंदर एक दूसरे से आप साथ वाले घर वालों से बात नहीं करें क्योंकि आपके नजर में वो अनएथिकल है और उनकी नजर में वो नहीं है। मोहल्ले आपस में डीसी कॉलोनी वाले राजकोट वालों को अनएथिकल समझते हैं, राजकोट वाले डीसी कॉलोनी को अनएथिकल समझते हैं। राजकोट में अगर कोई रहता है जी तो सॉरी नो ऑफेंस, मतलब एक अंदरून शहर है और एक जरा पोश एरिया है। अच्छा फिर शहरों में आ जाए जी, गुजरा वाला वाले लाहौर वालों को अनएथिकल समझते हैं, अल्लाह की शान माशाल्लाह देखे हैं, और लाहौर वाले गुजरा वाला वालों को अनएथिकल समझते हैं। अच्छा चलो ये तो शहरों की बात थी, तो भाई यहाँ पे आ जाओ सूबों के अंदर, सूबे वाले एक दूसरे को एथिकली डिफरेंट हम लोग हैं, डिफरेंट समझते हैं। पठान पंजाबियों को अनएथिकल समझते हैं, पंजाबी पठानों को डिफरेंट बातें करके अनएथिकल समझते हैं। मुल्कों के सतह पे आ जाए, तमाम ममालिक एक दूसरे को अनएथिकल समझते हैं। ठीक है, तो ये इतनी तफरीक है, जात की तफरीक अलहदा है, रिलीजन की अलहदा, रिलीजन के अंदर भी फिरके की अलहदा। तो हम सब एक दूसरे को गलत ही समझते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि गलत कोई भी नहीं है, हमारा उनके साथ एक एथिकल क्लैश है, हम उनसे एथिकली डिफरेंट है, वो हमसे एथिकली डिफरेंट है। इस बात को मान लेंगे तो हमारी क्लास भी और हमारी जिंदगी भी बेटा बहुत बेहतर हो जाएगी। सो आज आपने ये बात जरूर समझनी है कि आप लोग ये मान लें कि वी आर एथिकली डिफरेंट, हर एक के लिए अच्छाई बुराई मुख्तलिफ होती है जी। ये ईसा मलिक ने सवाल किया है, रेज हैंड किया, ईसा अगर कोई बोंगी हुई ना तो तेरी शामत आ जानी आज, अगर कोई बोंगी है तो हाथ नीचे कर ले। कर लिया जी मेरा ख्याल है, अच्छा किया खुद ही, नहीं है अभी भी अच्छा। चल बोलो जी ईसा जी, बोले ईसा, बोले 1 2 3। ईसा का मैंने पूरे सेमेस्टर माइक नहीं खोला। चल भाई ईसा क्लास में है भी नहीं, जो आपस की बात है, इसको तो एब्सेंट करो ना। अच्छा सो ये एथिक्स आर डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। अब मजे की बात ये कि एथिक्स डिफरेंट क्यों है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टुवर्ड्स डिफरेंट एथिक्स फॉर डिफरेंट पीपल, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भाई ये अच्छा अटेंडेंस मैं लगा रहा हूँ उसी की लगेगी जो अपने नाम के साथ होगा लॉगिन। नेक्स्ट टाइम आपने अपने नाम और रोल नंबर के साथ लॉगिन होना है, ठीक है। और मैं अभी आपको रीनेम करने की ऑप्शन भी खत्म कर दी, अब जो लोग नाम और अटेंडेंस के साथ हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, ठीक है, नाम और रोल नंबर के साथ। चलें जी नेक्स्ट, तो क्या वो फैक्टर्स हैं, क्यों हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं? बेटा इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, उनको मैं बारी बारी अगर डिस्कस करूं तो कुछ फैक्टर्स जो मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सबसे पहला फैक्टर है आपकी परवरिश। आप लोग किस माहौल में
पले बड़े हैं, आपके वालदैन उनके क्या एथिक्स हैं, आपके माँ बाप जो आपको सिखाते हैं या जो अच्छे बुरे की तमीज शुरू में देंगे वो आपके साथ पूरी जिंदगी भी रहेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बाप ने ये सिखाया है क्योंकि माँ बाप आपके पहले एथिकल स्कूल होते हैं। आप माँ बाप को देखते हैं कि मेरा बाप ये बात कर रहा है, मेरी माँ ये कर रही है, तो इसीलिए ये चीज नॉर्मल है। हमारे माँ बाप जो चीज कर रहे थे वो चीज हमारे लिए नॉर्मल होती है, तो दूसरे के लिए जिसके माँ बाप ये नहीं कर रहे होते उसके लिए वो चीज अनएथिकल होती है, मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने मॉर्निंग क्लास को भी दिया था, मेरा अपना पर्सनल एग्जाम्पल है जिंदगी का। मेरा एक दोस्त है वो डेरा इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं, वो लोग कराची में भी रहे हैं, तो बड़े वो उनका टिपिकल ना एक कबायली टाइप का कल्चर था, कबायली टाइप तो नहीं कह लें लेकिन पठानों वाला, उनकी अम्मी पठान थी उसकी और सही वो वाले खोचे वाले पठान, तो वो उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग भाई पंजाबी, टिपिकल पंजाबी, ना हालांकि जात का मैं पठान हूँ लेकिन जो पंजाब में रहे माँ बाप भी इधर ही पैदा हुए, तो हम लोग एक टिपिकल पंजाबी फैमिली है। हम लोग ऊंचा बोलने की भी आती है, तभी आप देखते हैं ना मेरी क्लास में आवाज बड़ी ऊंची होती है, तो ऊंचे भी बोलते हैं, आउटस्पोकन है, हंसी मजाक भी बहुत करते हैं और खाने पीने के भी बड़े शौकीन है, शुगर मेला भी करते हैं। तो हमारी फैमिली में जरा हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जरा हंसी मजाक भी करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब वो दोस्त मेरे साथ मेरे घर पहली दफा आया तो वो बड़ा परेशान मुझे नजर आया। मैंने कहा यार क्या हुआ, चुपचाप बिल्कुल। तो यार तुम लोग तो एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते हो, तुम लोग तो एक दूसरे की बेइज्जती करते हो, बहुत ज्यादा लड़ते हो। मैंने कहा यार, अब मुझे पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि यार अच्छा एक दूसरे की बेइज्जती करते क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज नॉर्मल थी, तो हमें तो नहीं ये चीज बुरी लगती थी क्योंकि हम लोग मजाक करते थे ना उसके लिए। अच्छा फिर मैं जब उसकी बातें सुनी मैंने कहा यार, फिर मैंने उसे समझाया कि यार ये बेसिकली बेइज्जती इज्जत नहीं है, हम लोग हैं ही ऐसे, मतलब वी आर टिपिकली वी हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस वे और पंजाबी कल्चर ही हमारा इस तरह का है जो मैंने बात की कल्चर के ऊपर, तो एक फैमिली की ये प्रैक्टिस है कि हम थोड़ा शुगर मेला आपस में मजाक हंसी कर लेते हैं। मैंने कहा मैं जब तुम्हारे घर जाता हूँ तो मुझे तुम्हारा घर बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके घर में सारे बड़े तमीजदार और मतलब तमीज इन सेंस अल्लाह माफ करे हम भी तमीजदार ही हैं लेकिन तमीजदार इस तरह की गुफ्तगू में बहुत ही फॉर्मल, और वो तो इवन बहन भाई 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 दो सेम एज के वो एक दूसरे को आप कह के बात कर रहे होते हैं कि भाई आपने ये कर लिया, भाई आपने ये किया, तो आप ये खाना खा ले, आप इधर जा। मैं घर जाके उसको बड़ा परेशान होता हूँ कि यार भाई को कौन आप कहता है, क्योंकि मेरे भी छोटे भाई ने कभी नहीं कहा, तो हमने भी नहीं कभी इस तरह बात की फॉर्मली, तो मुझे उसके घर में बड़ा डिफरेंट लगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग, फैमिली एनवायरनमेंट एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके एथिक्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, दूसरा फैक्टर ना सिर्फ फैमिली बल्कि आपका वैसे कल्चर, कल्चर में भी आप देखें ना, कल्चर कितने कल्चर है, एक आपके मोहल्ले का कल्चर और है, सिटी का कल्चर और है, सूबों का कल्चर, मुल्क का कल्चर, तो ये कल्चर ना सिर्फ फैमिली के बल्कि आपके एक्सटर्नल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कल्चर। पाकिस्तान में एक चीज नॉर्मल है, पाकिस्तान में अगर कोई भाई 5 मिनट लेट आता है ना ऑफिस में तो उसको सलूट करते हैं सब, क्या बात है 5 मिनट लेट आया, वाह ये तो पाकिस्तानी नहीं ये तो अंग्रेज बन गया, अंग्रेजों में अगर कोई 5 मिनट लेट आएगा उसको चित्र मार के बाहर निकाल देंगे, ये तुम 5 मिनट लेट आए हो, व्हाई इज दैट सो, क्योंकि फॉर देम कमिंग 5 मिनट्स लेट टू वर्क इज वेरी अनएथिकल, बट फॉर अस ये इससे एथिकल कोई बात ही नहीं है, 5 मिनट सिर्फ लेट आया। तो इसीलिए ये मुल्कों के कल्चर भी डिफरेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे झूठ बोलना इतने कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऐसे आंख मार के एक दूसरे को झूठ बोल देते हैं कि मजाक कर रहे थे या बाद में कोई बड़ा झूठ नहीं था, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है जी, कुछ कल्चर्स के लिए ये बहुत बड़ी बुरी बात है। ये तो था एक कल्चर का अफेक्ट, फैमिली अपब्रिंगिंग का अफेक्ट। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलीजन, हर रिलीजन के कल्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, रिलीजन की प्रैक्टिसेस आपस की बात है, हर रिलीजन ही अच्छा अच्छे की तलकीन करता है, अगर देखा जाए कोई रिलीजन नहीं कहेगा कि दूसरे बंदे को जाके मार दो, लेकिन फिर भी रिलीजियसली डिफरेंट। हमारे यहाँ पे जिस तरह मिसाल के तौर पे शराब पीने को इतना बुरा कहा गया है कि हमारे लिए ये चीज हराम है, हराम मीन्स टोटली अनएथिकल,
अच्छा दूसरे रिलीजन में, वैसे कहा तो उनके भी हराम किया जो आपस की बात है, लेकिन चले मान लेते हैं कि दूसरे रिलीजन में अगर इतना एम्फसाइज नहीं किया गया शराब के हराम होने को, तो उनके लिए वो रिलीजियसली इस वजह से वो अनएथिकल नहीं है कि उनका रिलीजन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इस पे। हमारा रिलीजन बड़ा स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे क्लोदिंग जो ड्रेसिंग हम करते हैं वो हमारे रिलीजन की वजह से, रिलीजन की वजह से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा रिलीजन कहता है कि ये चीज अनएथिकल है, ये चीज एथिकल है। उनका रिलीजन शायद इतना नहीं कहता, तो वो रिलीजन की वजह से एक डिफरेंस ऑफ एथिक्स आ गया। एक हो गया रिलीजन। अच्छा फिर एक और फैक्टर, अगर आप लोगों के जेहन में कोई फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चैट में लिखें जी। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आप भी शाबाश पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कोई फैक्टर्स अगर बताना चाह रहे हैं मुझे तो आप भी बताएं जी। एक फैक्टर और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएंगे, वो है एज का, उम्र का। भाई हम लोग उम्र के हिसाब से सही और गलत को चेंज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी की, अगर आप अभी अपनी 10 साल पुरानी पिक्चर्स देखें ना, तो जो दरमियान से मांग निकाली हुई होगी आप लोगों ने, चोपड़े बाल होंगे माशाल्लाह, तो आप लोग देख के हंसेंगे। या यहाँ तक आपने सीने तक पेंटे पहनी होंगी लड़कों ने, या लड़कियों ने भी अजीब रंग रंगों के कपड़े पहने होंगे, तो आप लोग देख के हंसते हैं कि यार हम लोग कितने मावरे चवल होते थे या कितने अजीब होते थे, ये देखें हम क्या करते थे। लेकिन तब आपसे बड़ा स्टाइलो कोई नहीं था। उस जमाने में आप ऐसे दरमियान से मांग निकाल के ऐसे करके जब जाते थे बाहर, तो समझते थे कि मैं सलमान खान बन गया। तो आप तब अपने आप को और तरीके से समझते थे। तब आप लोग अपनी आवाज बुलंद करना माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने, बड़ा ये हम फख्र की बात समझते थे। लेकिन आवाज हम अभी भी बुलंद कर लेते हैं, लेकिन अब हम इस चीज को बुरा एटलीस्ट समझते हैं कि ये चीज बुरी है। इसी तरह 10 साल बाद आप लोग जब अपने आप को देखेंगे, आप फिर भी कहेंगे यार मैं कितना फजूल होता था। है भी आप ऐसे आपस की बात है, कुछ लोग तो हैं, उसामा भी है जिस तरह आपके पास, शहरोज भी है, रुमान भी है, तो मियाँ साहब भी हैं, ये लोग हैं, ईसा भी है, लेकिन फिर भी 10 साल बाद आप लोग अपने आप को अजीब समझेंगे, बुरा समझेंगे। तो इंसान के एथिक्स उसकी उम्र के साथ साथ भी डिफरेंट होते हैं। जो इस उम्र में आपको अच्छा लग रहा है वो पिछली में नहीं लगता था और अगली में भी नहीं लगेगा। So one of the factors is age. चले जी अगला फैक्टर आप लोग मुझे बताएंगे, मैं चैट में देख रहा हूँ, मेरे ज़हन में है 2-3, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ। भाई रीनेम की ऑप्शन, सॉरी जो हो गया सो हो गया, बस नेक्स्ट टाइम के लिए आपके सजा। सर अच्छा जी, मॉडल थिंकिंग इज ऑनेस्ट फैक्टर, यार इसकी अब्दुल रहमान मुझे समझ नहीं आई जरा। थिंकिंग इज The one-est factor. अच्छा फिर हसन मुगल ने कहा है means के जो हमारा रोल मॉडल हो। अच्छा चलिए बता दी। नूरे जैनब कह रही सर एज एंड एक्सपीरियंस सेम फैक्टर काउंट होंगे, हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि एज और एक्सपीरियंस सेम हो। कुछ लोग थोड़ी एज में भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ज्यादा एज में भी कम एक्सपीरियंस होते हैं। मिसाल के तौर पे जी हमारे कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि मेरे से एज में 10 साल भी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने टीचिंग 3 या 4 साल पहले स्टार्ट की है, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस उनका कम है मेरे से। मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, मुझे 9 साल हो गए हैं, तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस कई मेरी एज से बड़े लोगों के से भी ज्यादा है। तो अमूमन ये साथ साथ ही चलता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स व्हेन डिड यू स्टार्ट experiencing that particular thing. और आपने ये बिल्कुल सही एक और factor identify कर लिया कि experience is also a factor. मैं जब teaching start की थी मुझे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं यार ये बातें बुरी हैं। 10 साल बाद मैं आपको आज शायद कह सकता हूँ कि 10 साल बाद मुझे शायद इतना मजाक करना पसंद ना रहे, मैं को यार ये क्या बात हुई, मैं मजाक करता था इतना अजीब अजीब, तो ये क्या बात हुई। तो ये experience के साथ साथ भी हमारे obviously एथिक्स डिफरेंट होते हैं। बेटा ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ये मैं आपको लैदा से नहीं बता रहा, ठीक है, ये आपने पॉइंट्स खुद ही लिखने हैं। अच्छा फिर एक है जी कि उसामा ने कहा सर मैंने क्या कहा है, ये मसला तो कुछ क्या ही नहीं है। अच्छा हाफिज मोहम्मद साहब ने कहा है सोसाइटी बेस्ड भी एथिक्स चेंज होते हैं, वही बेटा सोसाइटी, मोहल्ला सोसाइटी, आपका घर, आपका मुल्क, ये सारी सोसाइटी में ही कहलाते हैं, ठीक है। जस्टिस, हाँ
शाबाश, वेरी गुड पॉइंट मोमिना। जस्टिस नहीं, लॉ कहें, लॉ भी आपके एथिक्स को डिफाइन करता है। ए, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आज जुमा पढ़ के आया, यकीन माने बड़ा दुख हुआ, से पांच लोग थे, तो ये बात मुझे बड़ी ही बुरी लगी, लेकिन क्योंकि लॉ है आजकल कि पांच से ज्यादा लोग जुमा नहीं पढ़ सकते, तो ये अनएथिकल मैं इसको नहीं कह सकता, ठीक है। एटलीस्ट अनएथिकल मैं इसको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकता, अगर लोगों ने बड़ी अनएथिकल हरकत की आई नहीं मस्जिद में, क्योंकि लॉ ने एक्चुअली इस एथिक को डिफाइन किया, तो लॉज भी आपके एथिक्स को डिफाइन करते हैं। अबीरा ने कहा जी रेप्यूटेशन एंड मोरल, बेटा रेप्यूटेशन और मोरल एथिक्स को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि एथिक्स रेप्यूटेशन और मोरल को अफेक्ट करती है। ये बात आप समझे कि आप जो अच्छा बुरा समझते हैं उस हिसाब से आपकी रेपुटेशन भी बनेगी, ऑब्वियसली जिसको आप अच्छा बुरा समझते हैं उसको करेंगे भी अच्छा बुरा, तो वो आपकी रेपुटेशन भी बनाएगा और आपका मोरल भी आपके एथिक्स की वजह से बनेगा। एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन आपका बिल्कुल शेप अप करता है, तो एजुकेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर, लेकिन एजुकेशन में डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेटेड लोग एथिकल हैं या अनएजुकेटेड अनएथिकल हैं। अनएजुकेटेड के लिए कुछ बातें एजुकेटेड लोगों की अनएथिकल है, ठीक है, इसी तरह एजुकेटेड लोगों के लिए कुछ बातें अनएजुकेटेड की एथिकल है। जिस तरह हम अनएजुकेटेड बंदे को पेंडू कह देते हैं, ठीक है, तो पेंडू का मतलब क्या, हम उसे बुरा कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं यार ये बंदा सही नहीं है हमारी नजर में, ठीक है। हाँ जी, फिर जैद ने एक बात की है 252 ने, सिचुएशन एथिक्स, वेरी गुड पॉइंट, इसको थोड़ा सा दबा के रखें, इस पॉइंट को संभाल के रखें, ये पॉइंट हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने लगे हैं, सिचुएशन एथिक्स की तरफ, तो वेरी गुड पॉइंट जी। अच्छा, फिर एक है कंसर्न फॉर अदर्स, ये एथिक्स है ना बेसिकली, कि आप कंसर्न हो या नहीं हो आपका ये एथिक है। सोशल फैक्टर्स, पर्सनैलिटी, सोशल फैक्टर्स की बात कर ली, पर्सनैलिटी यार इसको ना आज डिफाइन कर, पर्सनैलिटी तुबा ने कहा है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बेटा ये नहीं होती हमारे कपड़े क्या है या हम किस तरह बात कर रहे हैं चल रहे हैं, बेसिकली द वे वी बिहेव एंड थिंक दिस इज आवर पर्सनैलिटी, पूरा मजमुआ हमारी बातचीत का, हमारे फिजिकल और हमारी मेंटल स्टेट का, ये हमारी पर्सनैलिटी होता है, सिर्फ कपड़े और कद काट और चलना ये नहीं होता पर्सनैलिटी, ठीक है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे एथिक्स की वजह से बनती है। अगेन वही बात, एथिक्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, तो अगर एक बंदा जिस तरह कपड़ों में एक चीज को अनएथिकल समझता है वो नहीं पहनेगा, अगर कपड़े भी आपकी नजर में पर्सनैलिटी है, तो ये एक है। अच्छा, मेरा चले जी अब क्या करें, मेरा भी इशू है सर, लीडरशिप, बिल्कुल मुल्क के अंदर लीडरशिप और पॉलिटिक्स, बिल्कुल पॉलिटिक्स और आपके लीडर्स, आपके मौलाना, आपके आजकल के पॉलिटिकल लीडरशिप, ये भी आपके एथिक्स को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल, बल्कि आपस की बात है, हम अपने एथिक्स की वजह से इनके साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब बहुत लोगों को बुरे लगते हैं क्योंकि वो जरा बदतमीजी से बोल लेते हैं, जरा करके भी बात कर लेते, कई लोगों को इस वजह से बुरे लगते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ये बात नहीं करते तो कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, इसी तरह नवाज शरीफ कुछ लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने करप्शन की है, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान नजदीक करप्शन इतनी कोई बुरी बात नहीं है, तो उनको वो शायद इतने बुरे ना लगे अनएथिकल। तो ये पॉलिटिक्स बेसिकली हम जो लीडरशिप चूज कर रहे हैं या हमारी लीडरशिप हमारे एथिक्स की वजह से बनती है, वो आपने हदीस सुनी है ना कि कैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो ये हमारे एथिक्स की वजह से ऐसे लीडर आ रहे हैं। डेमोग्राफी, सोशल मीडिया, शोबिज, बिल्कुल एनवायरमेंट को ही कहेंगे, पर्सनैलिटी, सोशल फैक्टर, यूनिटी, जस्टिस, ईगो, स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, शाबाश ये भी मैंने बात की है, ये नुमान ने पहले कर दी थी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, मैं इनर पर्सनैलिटी की बात ही कर रहा था, इस्लाम गिव अस प्रॉपर एथिक्स, चले जी ये भी अच्छी बात है, ओपननेस, ड्रेसिंग सर, हाँ बेटा हम ना ड्रेसिंग हमारे एथिक्स नहीं डिफाइन करती, एथिक्स हमारे ड्रेसिंग को डिफाइन करती है, हम किस चीज को अच्छा बुरा समझते हैं वो हम पहनेंगे, अभी मैंने बात की पर्सनल डिग्निटी। चले जी, मैंने कोशिश की सबके सवालों के जहाँ बनते थे वो मैंने जवाब दिए हैं। एक फैक्टर सोशल प्रेशर, मैं जो देखना चाह रहा था फैक्टर कि आप लोगों में से शायद वो कोई इस फैक्टर को आइडेंटिफाई करे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेंडर का, मर्द और औरत के लिए अच्छा और बुरा मुख्तलिफ है, ये भी एक फैक्टर है।
हम लोग फिजियोलॉजिकली भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बल्कि हमारा दिमाग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है फिजिकली। आप लोगों ने साइंस वालों ने खास तौर पे पढ़ा होगा कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर का डिफरेंस है मर्द और औरत के अंदर, पढ़ा हुआ है ना, सुना होगा आप सबने या काफी ने सुना होगा। तो हम हमारे दिमाग डिफरेंट मादों से बने हैं, मटेरियल ही हमारे दिमागों का डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। अब लड़कियों के लिए चुगली करना या बुराइयां करना या लड़ाइयां करना शायद कोई इतनी बुरी बात नहीं ना, लड़कों के लिए बदमाशी करना, शोखियां मारना और बदतमीजी करना ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये जेंडर डिफरेंस है। जेंडर बेशक कल्चर की वजह से एक ये डिफरेंसेस बने हैं कि हमारे कल्चर में ये चीजें हैं, बट एक फैक्टर है कि जेंडर के अंदर भी डिफरेंट एथिक्स हैं। लड़कियों के लिए अच्छी बातें जो है वो लड़कों के लिए बुरी बातें हैं, इसी तरह लड़कों के लिए जो बुरी बातें हैं वो लड़कियों के लिए अच्छी बातें वो लड़कियों के लिए बुरी बातें हैं। ये एक जेंडर का भी डिफरेंस है। ओके, तो मेरा ख्याल है काफी डिफरेंसेस हो गए हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल सेम नहीं है जेंडर में दोनों बातें, ये किसने कहा है जी? अच्छा नहीं, ये सॉरी पिछली चैट थी, नहीं ये एक मिनट, ये हाँ जी अभी की बात है। मोमिना ने कहा है दोनों केसेस में सेम है, और हसन मुगल ने कहा है नो सर। क्या नो भाई, हमने पढ़ा था कि औरत के दिमाग में कैसा हिस्सा काम करता है और मर्द के दोनों हिस्से काम करते हैं बायोलॉजी में से। नहीं यार, ये अभी कोई हमने फजूल की बातें बनाई है, उनके चार हिस्से काम करते हैं, हमारा एक ही करता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। एक मैटर होता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है, ये डिफरेंट होता है। अच्छा चले ठीक है जी, अब मैं बंद कर रहा हूँ चैट को, आप 5 मिनट तक होल्ड करें अपने क्वेश्चन, या करते रहे, मैं बाद में इसको देख लूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल डायलेमा। एक मुसीबत को कहते हैं डायलेमा। मुसीबत क्या है जी, या एथिकल डायलेमा क्या है? एथिकल डायलेमा एक एथिकल पैराडॉक्स है। एथिकल पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स के मैं स्पेलिंग लिख देता हूं जी आप सबको, मुझे पता नहीं आने, इतने पढ़े लिखे आप माशाल्लाह। पैराडॉक्स, हाँ जी, ओहो एक मिनट जी, ये पैराडॉक्स का मतलब क्या है? बड़ा मजे का लफ्ज है जी। पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन सेल्फ, अपनी ही चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना, या दो मुतजाद बातों का इकट्ठा होना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी रोशन रात, तो भाई रोशन भी और रात भी, हाउ इज दिस पॉसिबल? या ये एक किस्म की कॉन्ट्राडिक्शन है। अब वो कहते हैं जी बत्तियां लगा के रात रोशन होगी, बट ये लफ्ज ही एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टिंग है। फिर एक बंदा बुढ़ापे में जो है वो, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हसन ने, डे ड्रीमर, डे ड्रीमर के जागते हुए ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देख ही नहीं सकते जागते हुए, दिस इज अ पैराडॉक्स। हाँ मुहावरतन है, लेकिन ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अच्छा इसी तरह कुछ लोग बुढ़ापे में बड़े ताकतवर होते हैं, फिजिकली भी होते हैं और दिमाग भी, बाजुबान भी उनकी बड़ी बेहतर होती है, तो हम कहते हैं जी बूढ़ा जवान है, ठीक है। तो या बच्चों को कहते हैं तू तो बाबा हो गया, तो भाई ये बच्चे कैसे बाबे हो गए या बाबे किस तरह बच्चे हो गए, ये भी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन स्टेटमेंट है। मुहावरतन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैराडॉक्स है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसी तरह एथिकल डायलेमा भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके एथिक्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन का पैदा हो जाना जहां पे आपके जो एथिक्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं और आप फैसला नहीं कर पा रहे, मुसीबत में फंस गए हैं। मिसाल के तौर पे आप में से कोई कहता है जी इशारा काटना बहुत बुरी बात है, गुजरांवाला में इशारे माशाल्लाह 3 है, वो भी यार काटा ना करो मेहरबानी आपकी, रुक जाए करो, उनमें से एक आधा ही काम कर रहा होता है। लेकिन चले आप में से कोई कहता है कि जी इशारे काटना बुरी बात है, वो इशारे पे रुक जाता है पीपल्स कॉलोनी वाले इशारे पे। लेकिन अगर उसके साथ एक बीमार आदमी बैठा है जिसको उसने हॉस्पिटल लेके जाना है इमरजेंसी में,
तो यहाँ पे एक एथिकल डायलेमा आ गया, इशारे पे रुका हुआ है, इशारा काटना भी बुरा है, साथ ही साथ उस बंदे को मरता छोड़ना भी बुरा है, तो यहाँ पे वो बंदा एक एथिकल डायलेमा में आ गया, पैराडॉक्स में आ गया कि क्या, वो आपने गाना सुना ना, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बता दे इसका हलो मेरे भाई। तो ये ऐसी ही सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कहते हैं एथिकल डायलेमा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ बेसिक्स थी एथिक्स की आज, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक मिनट जी, अब इसके बारे में कोई सवालात हैं तो अभी के बारे में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस टू एथिक्स, के एथिक्स किस किस किस्म के होते हैं लोगों के। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, सेट ऑफ पीपल होता है जो ये चीज मानते हैं पर्टिकुलरली, वो उनके एथिक्स को हम ये कह देते हैं। इसी तरह कुछ होते हैं जो रिलेटिविस्ट मानते हैं, प्रैग्मेटिक डॉग्मेटिक, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एथिक्स हैं, अप्रोचेस टू एथिक्स हैं। कह रहे जी मैं सवाल ले रहा हूँ और फिर इसके बाद रैप अप करता हूँ। टू डिफरेंट पीपल के एथिक्स कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, अपने ही कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं बेटा। और अब टाइम ही हो गया क्लास का, इंशाल्लाह ताला अभी आप फिक्र ना करें, और काफी पढ़ना हमने इंशाल्लाह ताला। अच्छा, 5 मिनट्स के लिए माइक ऑन कर दें बस सबके, सॉरी 5 मिनट्स का, 1 मिनट रह गया। अच्छा, डायलेमा की कोई एक और एग्जांपल दे दें। हाँ जी, एक और एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। आपको कोई मारने आ गया, कत्ल करने आ गया मिसाल के तौर पर, अब या कोई किसी को कत्ल करने लगा है। हाँ चले ये ठीक है, कोई किसी को कत्ल करने लगा है, आपने किसी रिश्तेदार को, अब आप उसको बदले में कत्ल करने का ऑप्शन है आपके पास, या मारने का ही चले ऑप्शन है, कोई आपको मारने आ गया उसको मारने का ऑप्शन है। अब आपको पता है कि कत्ल करना या मारना बुरी बात है, तो आप उसको नहीं मारना चाहते या नहीं कत्ल करना चाहते, लेकिन अगर आपने उसे नहीं मारा या कत्ल नहीं किया तो वो आपको मार देगा या कत्ल कर देगा। तो यहाँ पे एक और डिलेमा आ गया कि भाई अपने आप को भी बचाना जरूरी है, ये भी एथिकल बात है, बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए, और दूसरे को मारना भी बुरी बात है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास एथिकल डायलेमास की, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स है। ठीक है, अब आपका बर्गर खाने का दिल करता है, बर्गर ना खाना भी बुरी बात है, बर्गर खा के पेट बढ़ाना भी बुरी बात है। चले जी टाइम खत्म होने वाला है, हम इंशाल्लाह तब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। नहीं अभी टाइम है 2 मिनट, पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा आगे है, जूम की मेहरबानी। अच्छा जी, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आएगा एथिकल डायलेमा। चले जी, अच्छा क्वेश्चन है, पहले है आपका उल्टी बातें करना। नहीं उल्टी नहीं बेटा, बातें नहीं करना, ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पे आपका एक्शन जो है, दोनों एक्शन आप नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पे दोनों एक्शन आप नहीं करना चाहते, इसको हम एथिकल डायलेमा करें। बातें नहीं करना, एक्शन नहीं है एक्चुअली। अच्छा जी, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, बिल्कुल ठीक बात है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ जी। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट जो है वो सब स्टैंडर्ड बनाती है। अब आपको पता है कि ये बात अगर मैंने ना बताई तो ये अनएथिकल है, लोगों के साथ धोखा ही है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर मैंने ये बात बता दी तो मेरे बिजनेस बंद हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का नुकसान है, और नौकर तो मैं शेयर होल्डर्स का हूँ। तो यहाँ पे अब आपका एक एथिकल डिलेमा है, एक आया मैं विसल ब्लो करूं, यानी इस बात के बारे में बताऊं दुनिया को या नहीं, तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकल डिलेमा है। नहीं जी, टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर वर्क्स, ये वैसे ही अनएथिकल चीज है, ये डिलेमा नहीं है। ये तो आपको पता है कि बुरी बात है, बुरी डिलेमा वो है कि आपको पता ही नहीं दोनों बातों में से, या दोनों बातें बुरी लग रही हैं, या दोनों अच्छी लग रही हैं, या दोनों बुरी लग रही हैं, करनी एक है, वहां पे आपका मसला है। चले जी लास्ट है, मस्जिद में नमाज पढ़ना या घर में पढ़ना। चले जी ये भी हो सकती है, झूठ बोलने से किसी की जान बच भी सकती है, झूठ बोलना बेहतर है। बिल्कुल जी, झूठ बोलना अनएथिकल है, लेकिन किसी की जान ना बचाना भी अनएथिकल है। तो बिल्कुल ठीक, हमने ने एग्जाम्पल दिया, हमने वैसे ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ती है मेरे साथ, है ना। चले जी, तो अल्लाह हाफिज बेटा, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी ट्यूजडे को, आई गेस तो ट्यूजडे को 2 बजे शायद लेक्चर इस सीआर के साथ मैं कॉन्टेक्ट करूंगा, इसी तरह जूम पे आपको आईडी दूंगा।